और ये ड्रीम टीम है, ड्रीम में ही बननी है। तो मेरे माँ की बहुत हार्ड है यार, पहले किसी और से स्टार्ट करो यार। नहीं, तू सबसे नहीं भाई, स्टार्ट होस्ट कर, सबसे वो स्टार्ट होस्ट तू है करवाता तो है, तू स्टार्ट अब करेगा तेरे को अब ना। स्टार्ट करवाएगी। चल बोल। मैं तो फिर भाई सीधी सी बात है भाई, फिर तो मैं नियो नियो को उठाऊं और ये जोनाथन को उठाऊं और फिर क्लच गॉड को। अरे भाई बात ही भाई खत्म, देख, बात ही खत्म। जी गॉड का सपोर्ट रोल मैं करूंगा। 420 तुम्हारी बात। सेम बकेट ले भाई, अगर ड्रीम टीम तो ऐसे इंडिया में और क्या। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट भाई, नहीं, हाँ मैं अपने मैं भी सोच में रहा हूँ। जी गॉड को नहीं करता क्योंकि क्लच गॉड की जगह पे, पर मैं क्या करूँ, आईजीएल नहीं कर सकता तो फिर मेरे को क्लच गॉड चाहिए। भाई मेरे को जरा सोचने में टाइम लग रहा है सारा। ऐसा तीन क्यों तो स्नैक्स मेरे भाई, चौथा तो चौथा चौथे में बहुत कंफ्यूज है। तीन तीन तो तो बताओ, मेरे चौथा हम लोग चैट बताएगी ना कोई। मैं तीन, पंख हाँ सेंसी चौथा, एक सोचने में बहुत टाइम लग रहा है। तो ये तो बन रही है ना। नहीं बन रही है, नहीं बन रही है, बट मेरे को उनका प्ले स्टाइल बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। अच्छा, ये ड्रीम टीम बट थोड़ी ना, ये ऐसा तो ऐसा रियलिटी ऐसा टीम ड्रीम है। टीम तो वो एनडीटी की थी जो बनने वाली थी, बट नहीं बन पाई वो अच्छा एनडीटी। बट ऐसे ड्रीम टीम ही थी वो, ड्रीम ही पूरा हो रहा वैसा था, बट हुआ नहीं, क्या करें। तब तू बचेगा नहीं, तू भाई किस दिन मिलिया ना स्नैक्स को। अभी तो भाई चौथा प्लेयर अभी पता नहीं, चौथा कोई भी चलेगा, अच्छा प्लेयर हो सकता है भाई चौथा। नियो सोचना। माकिया, नियो मैं पंग सेंसी बस का था। ओके सन डैम नाइस टीम। बूम ओवेस भाई तुम बताओ। यार, मेरी को तो भाई मेरी फेनेटिक की लाइनअप बहुत पसंद। ओके तो यू स्काउट रौनक एंड नहीं, मैं आकाश, ऐश और फ्रैंक। ओके तू अच्छा, मेरे सिड को वो लाइनअप बेस्ट थी मेरे लिए। भाई ने तो बता रखी है अपनी ड्रीम टीम और वैसे ऐसा थोड़ा ऐसा खेलने भी के बोल लिए। सकता है कि मेरा पुराना सोल भी, दोनों दोनों टीम, अच्छा, वो दोनों टीम मेरे लिए बेस्ट। मतलब सिड भाई। एक्चुअल लाइनअप भी तूने बता दिया और ब्राउनी पॉइंट्स वाला लाइनअप भी बता दिया तूने, ठीक है। ब्राउनी क्या मतलब, सेफ साइड समझा खेला है, बहुत सेफ नहीं। साइड खेला है। सेफ साइड नहीं, सेफ साइड नहीं, मैंने बहुत इंटरव्यू में ये भी बोला हूँ ना कि अगर मेरी वो लाइनअप होती तो मैं पता नहीं आज वंडर्स कर रहा होता, तो इसलिए भाई। और मैंने ये लाइनअप से भी किया जो फेनेटिक वाला था, अब बोल नहीं सकते ना किससे कर और कैसा जाता। ये स्टार्टर रेस है, ये वाले समझ लाइनअप के सकते बारे में क्या कहना है, सही क्या खेलूँ इसका। यार। ओएस की पीएमआईएस वाली लाइनअप, वही तो पीएमआई बोल रहा हूँ सांगवान मैं। वाली, सांगवान वाली, हाँ अरे नहीं यार, पीएमआईएस में तो यही लाइनअप थी हमारी भाई। पीएमएस, पीएमएस पीएमएस बोल रहा है, सांगवान, पीएमएस में सांगवान, सांगवान ऐश रौनक था। भाई, वो तो रौनक भाई इसको चिकन पॉक्स हो गया, ऐश को। ऐश ने चिकन पॉक्स दे दिया परितोष को, परितोष खेल नहीं पाया, फिर स्काउट, कैसे कैसे। स्काउट था ही नहीं, स्काउट तो यहाँ था स्काउट ही नहीं, बाहर इंडिया गया में ही नहीं था। था, बाहर गया था। तो अभी एंड मोमेंट में कुछ ऑप्शन नहीं था, तो रौनक कुछ ऑप्शन मतलब कोई प्लेयर कुछ समझ रहा नहीं था, तो रौनक बोला कि मेरे को सांगवान है, सांगवान खेलेगा। तो बोला ठीक है, बुला ले उसको, खेल लेते। अब मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो मैं बोला एक बंदा तो है, तीन बंदे तो सेम ही है, अब अच्छा जैसे जैसे उस, खेलना तो है। अच्छा अबे हस्तर ऐसा ही पुराना प्लेयर थोड़ी है भाई, इतने साल से खेल रहा है, ही नोज कि यू नो सोशल मीडिया पे कैसे क्या बोलना चाहिए। पर अपना तो फर्ज बनता है ना सिड भाई पूछने का, क्या क्या नहीं, वो। ओएस को अभी सब पता है, अभी टेंशन नहीं है। कि क्या करूं, ओएस नो चेजिंग हो रहा हाउस है, टू मार दे बी। भाई लाइक्स, मार दे ब्रो, फ्री किल इजी। ओएस एगी जब भाई, लास्ट लास्ट ईयर आया था सोशल मीडिया पे, उसको समझ गया कि अपन कुछ भी बोल नहीं सकते सोशल मीडिया पे, तो अभी वो केयरफुल है। अरे बहुत केयरफुल हो अब तो भाई, गलती। अरे मतलब इतना सब स्टार्टिंग भाई, हेट की शुरुआत ही मेरे को मिलने से चालू हुई है।